नमस्कार दोस्तों एमएस यूनिवर्सिटी में एस वाई बी कॉम के सेमिस्टर नंबर फोर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने सेवंथ नंबर के सब्जेक्ट में थियोरी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जिसका की नाम है रिटेलिंग मैनेजमेंट और यह सब्जेक्ट का स्टडी कंटेंट यानी कि स्टडी मटेरियल और कोचिंग मोस्टली कहीं पर भी नहीं मिलता है तो वो सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बट दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ये रिटेलिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटीरियल एज पर एमएस यूनिवर्सिटी और उसके एक टॉपिक के कांसेप्चुअली वेल एक्सप्लेन वीडियोस आपको मिलेंगे जिससे कि आप बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही कम टाइम देके एक्सीलेंट प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने एग्जाम में इस पेपर में बेहतरीन स्कोरिंग कर सकते हो सो so दोस्तों माय सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11 12th कॉमर्स एफआईएसवाई टीवाई बीकॉम सीए एंड सीएस ऑल लेवल आज के सेशन से हम लोग हमारे ये रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काफी छोटा है और इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं है रिटेल तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं रिटेल एंड रिटेलिंग के मीनिंग की तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिटेल एंड रिटेलिंग इसको हम नाम दे देंगे टॉपिक नंबर वन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एमसीक्यू वाली एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि अकॉर्डिंग टू स्वप्न प्रधान नेम है पर्सन का द वर्ड रिटेलिंग इज फ्रॉम देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी है पहले तो स्वप्न प्रधान ने ये चीज कही है रिटेल वर्ड जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज के रिटेलियर वर्ड पर से आया है और रिटेलियर वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक द बल्क ब्रेक द बल्क मतलब एक बहुत बड़ा जत्था जो होता है उसको ब्रेक कर देना बल्क मतलब जत्थो बहुत बड़े जत्थे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना मतलब रिटेल कर देना बल्क मतलब होल इसके ऊपर से आपने नाम सुना होगा होल सेलर जो कि बल्क में बेचते हैं और उसको जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मतलब छुट्टक व्यापारी जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर तो ये जो रिटेल वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड के रिटेलियर वर्ड पर से आया है जिसका मतलब होता है टू ब्रेक बल्क ये चीज आपको एमसीक्यू के लिए भी और अगर रिटेल या रिटेलिंग के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो एज एन इंट्रोडक्शन आपको ये काफी काम लगेगा रिटेल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज मतलब रिटेल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर फॉर देर पर्सनल फैमिली और हाउस होल्ड यूज कंज्यूमर के लिए उसके पर्सनल यूज के लिए हो फैमिली यूज के लिए हो या हाउस होल्ड हाउस होल्ड मतलब घरगत हो तो ये सारी एक्टिविटीज जो कि पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के मार्केटिंग रिलेटेड होती है जो कि कस्टमर अपने पर्सनल यूज के लिए या फैमिली यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए करता है तो ये सारी चीजें रिटेल के अंदर आ जाती है एंड अकॉर्डिंग टू बेरी एंड जॉयल ये मीनिंग दिया हुआ है रिटेलिंग एनकंपसेस एनकंपस का मतलब होता है कवर समावेश करो कवर समावेश द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल फैमिली और हाउस होल्ड यूज एंड इंक्लूड्स वेरी सेल्स टू फाइनल कंज्यूमर देखो ये जो ऊपर की डेफिनेशन थी वही है बस इतना वाला पार्ट नया एड हुआ है इंक्लूड्स वेरी सेल्स टू फाइनल कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर मतलब अंतिम उपभोक्ता फाइनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है अंतिम उपभोक्ता मतलब ग्राहक तो ये वाली डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है कुछ अलग याद नहीं रखना है उसके अंदर बस ये एक word, एक वर्ड सेंटेंस ऐड कर दिया है तो ये बैरी एंड ज्वाइल की डेफिनेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू पीयूष सिन्हा अब ये पीयूष सिन्हा ने क्या बोला है रिटेलिंग इन्वॉल्व द सेल्स ऑफ गुड्स टू पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ दिस वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि रिटेलिंग का मेन चीज ही ये है कि इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द यूज और कंजम्सन यूज मतलब उपयोग अथवा कंजम्सनो मतलब तो थे उपयोग रादर देन रीसेल मतलब रीसेल करने का पर्पस नहीं होता है देखो होलसेलर के अंदर क्या होता है ये आपने सुने, और रिटेलर। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक हजार क्वांटिटी ये होलसेलर खरीदेगा और छोटी छोटी दुकान वालों को क्या करेगा दो क्वांटिटी में पांच क्वांटिटी में तीन क्वांटिटी में बेचेगा और फिर ये रिटेलर जो है वो क्या करेगा ये 500 क्वांटिटी कोई एक कस्टमर को नहीं बेचेगा किसी को एक चाहिए किसी को दो चाहिए किसी अगर आपको कोई एक डेफिनेशन लिखनी है तो या तो ये याद रखिए या तो फिर ये याद रखिए और ये तो खास आपको याद रखना ही रखना है ठीक है तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं रिटेलिंग मैनेजमेंट के ऊपर देखो हमने अभी रिटेल और रिटेलिंग देखा अब बात करेंगे रिटेलिंग मैनेजमेंट के ऊपर बट इससे पहले बता दो दोस्तों कि आपको ये सब्जेक्ट के या एस वाई बी कॉम या टीवाई बीकॉम के कोई भी सब्जेक्ट के बेहतरीन एमएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्टडी स्टडी वीडियो टॉपिक वाइज डेली लेक्चर्स के वीडियो रिविजन नोट्स रिविजन एमसीक्यू के बेस्ट मटीरियल एमसीक्यू के वीडियोज पास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स उसके सोल्यूशन उसके वीडियोज ये सारी चीजें चाहिए तो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जिसकी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें बहुत सारे डेमो कॉन्टेंट भी रखे हैं तो आप देख सकते हैं और वहां पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही कम नॉमिनल फीस पे प्रोवाइड किया गया है जिसका इस्तेमाल कोई भी लेवल का स्टूडेंट कर सकता है और कहीं से भी एक्सलेंट एजुकेशन लेके अपना रिजल्ट भी बढ़िया साल आ सकता है और अपने पैसे भी बचा सकता है तो इसका बेनिफिट आप और आपके फ्रेंड्स जरूर लीजिए चलिए अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज रिटेल मैनेजमेंट ठीक है अभी हम बात करने वाले हैं रिटेल मैनेजमेंट क्या है इसके ऊपर तो रिटेलिंग पर से ही ये चीज होती है तो देखो वेरियस प्रोसेसिस विच हेल्प द कंज्यूमर देखो एक तो प्रोसेस हेल्प द कस्टमर और कंज्यूमर टू प्रोक्योर प्रोक्योर मतलब हासिल करना मेड वो टू गेट सिंपल वर्ड्स में कहे तो गेट मेड वो द डिजायड मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स वस्तु फ्रॉम रिटेल स्टोर फॉर देर एंड यूज एंड यूज मतलब अंतिम उपयोग रिफर्स टू रिटेल मैनेजमेंट देखो रिटेल मैनेजमेंट क्या बोला है वेरियस प्रोसेस मेन वर्ड याद रखना की रिटेल मैनेजमेंट क्या है प्रोसेस है मैथड है both be, none of the above, cycle कुछ भी तो यह क्या है प्रोसेस है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एम सी क्यू ठीक है याद रखना रिटेल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो कि क्या करता है हेल्प टू दस्टमर टू प्रोक्योर मीडअर्ड मर्चेंडाइज उसकी जरूरत के गुड्स

गुड्स है नीड वाले गुड्स उसको बाय करवाता है मतलब कस्टमर को स्टोर तक अट्रैक्ट करने से लेके कस्टमर गुड्स लेके वापस जाए वहां तक के सारे के सारे स्टेप्स किस में आ जाते हैं रिटेल मैनेजमेंट में मतलब कस्टमर को गुड्स खरीदने के लिए अट्रैक्ट करने से लेके कस्टमर गुड्स खरीद के जाए वहां तक के सारे के सारे, सारे स्टेप्स वो होता है रिटेल मैनेजमेंट रिटेल मैनेजमेंट मेक्स शॉपिंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देखो दिस इज इंपोर्टेंट मेक्सिंग खरीद और मुझे में ये शर्ट मैंने खरीदा और जैसे ही मैं शर्ट ट्रायल करके आऊंगा कस्ट जो शॉपकीपर है वाह 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 वा, वा, कमाल लग रहे हो मतलब हीरो लग रहे हो जबरदस्त लग रहे होरो लग रहा हूँ खरीद लेता हूँ और खरीद लेके बाद घर पर पहन के बाहर निकलूंगा मैं तो हीरो हूँ मैं तो हीरो, मैं तो हीरो मैंने अच्छा शर्ट खरीदा है मतलब आपको ऐसे एक फीलिंग देके ये रिटेल हाँ कई बार गालियां भी देते हैं बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पर रिटेल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेक्स द शॉपिंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस आप मार्केट में जाते हो सारी चीजें देखते हो ट्राई करते हो खरीदते हो तो ये एक शॉपिंग का एक्सपीरियंस हो आप ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं बट रियल शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो आपको रिटेल में ही आता है दुकान में जाके ही आता है बाकी हम ऑनलाइन में भी कुछ भी खरीद ही सकते हैं और खरीदते भी है बट डिफरेंस होता है होटल में रेस्टोरेंट में जाके खाना और जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करके खाने में डिफरेंस होता है उसके एक्सपीरियंस में डिफरेंस होता है ठीक है वैसे ही बात है जैसे लड़की के साथ चैट करना और लड़की के साथ घूमना दोनों में कैसा डिफरेंस है डेट तो यहां पर यही है कि जो रिटेल मैनेजमेंट है दैट मेक्स शॉपिंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंड एंश्योर करता है कि कस्टमर जो है वो स्माइल के साथ जाए इन सिंपलर वर्ड रिटेल मैनेजमेंट हेल्प द कस्टमर सॉप विदाउट एनी डिफिकल्टी क्लियर हुआ यहां तक और अब इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइवर्स ऑफ चेंज इन रिटेलिंग मतलब वो कौन से फैक्टर्स है जो कि रिटेलिंग को पूरा चेंज कर रहा है ड्राइवर्स ऑफ चेंज इन रिटेलिंग ड्राइवर्स यानी के फैक्टर्स परिबड़ो तो देखो ये भी आपको क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में काम लग सकता है पहला है चेंजिंग द डेमोग्राफिक एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डेमोग्राफी मतलब वस्ती पॉप्युलेशन डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉप्युलेशन वस्ती पहले के समय के लोग और अभी के लोग यंगस्टर्स वो लोग अलग है तो ऑब्वियस बात है कि उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस या शॉपिंग करने की स्टाइल भी अलग होगी पहले की इंडस्ट्री अलग थी अभी की जो इंडस्ट्रीज है वो भी अलग है तो वहां पर ऑब्वियस है कि वो रिटेलिंग में चेंज करेंगे अब यहां पर ऐसा भी होता है कि अगर आपको रिटेल प्रोडक्ट कोई सिंपल सिंगल प्रोडक्ट भी खरीदनी है तो भी आप कंपनी की वेबसाइट से ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहां से सिंगल लॉट में भी खरीद सकते हो पहले ऐसा नहीं होता था कि आप कंपनी के पास से डायरेक्ट खरीदो बट अब ये फैसिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डेमोग्राफी वस्ती एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देन सेकंड इज फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी मेन मेन वर्ड जो है उसको दोस्तों आप लोग याद रखना हाईलाइट कर दो ऐसा हो तो यहां पर पहले वाले में डेमोग्राफिक पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देन प्रोडक्टिविटी एक्सपांडिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनेट जितना एक्सपांड हो रहा है वैसे वैसे भी यहां पर क्या होगा जो रिटेलिंग है उसमें चेंज देखने को मिलेगा एडेड एक्सपेरिमेंटेशन जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं

प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस में ही बढ़ा के दिया जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता होगा वो ए चल रहे जो स्टाफ रखा हुआ है स्टाफ की सैलरी वो भी वहीं से आपके प्रोडक्ट के प्राइस में ही बढ़ा के वसूल करेंगे जबकि अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हो तो वहां पर ऑब्वियसली कि जो सैलर है या प्रोड्यूसर है उसको कोई अच्छे प्राइम लोकेशन पर शोरूम रखने की जरूरत नहीं है अच्छे एयर कंडीशन बढ़िया इंटीरियर वाले शोरूम की जरूरत नहीं है सेल्स स्टाफ सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होगी तो वहां पर ऑब्वियसली वो सारा खर्चा बचेगा तो कम कॉस्ट हो जाएगी तो सस्ते में कस्टमर को मिलेगा तो इसकी वजह से भी ये चेंज देखने को मिला है कि पहले लोग दुकान में जाके खरीदते थे वो कम क्यों हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर रिटेल में ही करते हो बट वहां पर आपको सस्ते में मिल जाता है सस्ते में क्यों मिल जाता है क्योंकि खर्चे कट हो गए तो ये लोअर कॉस्ट कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग देखा ग्रोथ ऑफ नॉन स्टोर जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं ना कि शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है उसका ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूइंग ग्रोथ एंड एम्फोसाइज ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विसेस इसकी वजह से जो रिटेलिंग है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलता है यहां पर दोस्तों हमारा ये का, का पहला हुआ। पढ़े और इसी तरह के और एक्स्ट्रोर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स अपने करियर के 11, 12 कॉमर्स हो या एफ वस वाई बीकॉ सी लिए लेवल करना चाहते हैं तो सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस या साहस एप्लीकेशन थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन को एट लोवेस्ट फीस तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद